राजस्थान विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस जिन सीटों पर उसका दबदबा है उसे लेकर वो पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ उसे इस बार भी चुनावों में जीत हासिल हो सके, लेकिन जहाँ उसे लंबे समय से जीत नहीं मिल पाई है उन सीटों पर वो अपने हार का क्रम तोड़ना चाहती है। ऐसे में पाली में जैतारण विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पिछले 3 दशकों से उसे सिर्फ हार का ही मुंह देखना पड़ रहा है। यहाँ लंबे समय से भाजपा जीत हासिल करती आ रही है। फिलहाल इस सीट पर भाजपा के विधायक अविनाश गहलोत प्रमुख दावेदार है। वहीं कांग्रेस भी सत्ता में लौटने के लिए जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। यहाँ अगर पहले की बात करें तो साल 1952 से लेकर 1962 तक रायपुर से इससे मिला हुआ था। फिर 1955 में उत्तर पश्चिम जैतारण से निर्दलीय प्रत्याशी मोहन सिंह विधायक रहे और 1967 में शंकर लाल के जीतने के बाद ये सीट कांग्रेस की झोली में चली गयी। साल 1972, 1977, 1980 और 1985 में यह कांग्रेस का कब्जा रहा। ये कांग्रेस की आखिरी जीत थी। फिर 1990 में भाजपा के सुरेंद्र गोयल इस सीट पर जीत हासिल की। 1993, 1998 और 2003 में इस जीत को बरकरार रखते हुए लगातार 3 बार इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा, जबकि वो खुद 4थी बार इस क्षेत्र से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद पासा पलटा और 2008 में निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप चौधरी इस सीट पर काबिज हो गए, लेकिन 2013 में फिर से भाजपा के सुरेंद्र गोयल ने जीत हासिल की। उस समय सुरेंद्र गोयल वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे। इसके बाद 2018 में अविनाश गहलोत ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरे और फिर से ये सीट भाजपा के खाते में ही चली गई। अब साल 2023 के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर दोनों पार्टियों की ओर से जीत की दावेदारी की जा रही है। अब देखना होगा कि ये सीट किसके खाते में जाती है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।